चलिए अब हम बनाते हैं एक अमृतसरी स्टाइल फ्राइड फिश। इसके लिए मैं सिंगाड़ा यूज कर रहा हूँ। सिंगाड़ा एक मीठे पानी की मच्छी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स नेचुरली फैटी सो इट फ्राइज वेरी वेल। इसलिए हम इसको इस रेसिपी में आज यूज करेंगे। अब इस सिंगाड़ा फिश को हम सॉल्ट और हल्की सी मिर्ची लगा के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस फिश का एक मैरिनेशन बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल सा। उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा ग्रीन चिली का पेस्ट, थोड़ा सा बेसन। अब इसमें मसाले डालेंगे, अ लिटिल बिट अजवाइन, अ लिटिल बिट रेड चिली, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ अदरक, नॉट टू मच। और अब इसमें डालेंगे अंडा, जस्ट द एग वाइट। और इस तरह से इसका एक लिजाम यानी कि लिएजो बना लेंगे और लेमन जूस। अब इसमें अपनी फिश को मैरिनेट कर देते हैं और अब इसमें डालेंगे पाइनएप्पल। अब इसके दूसरे पार्ट के लिए जो हमने स्पेशली एयर फ्रायर के लिए मॉडिफाई किया है वो ये है कि हम एक ड्राई बेसन का एक क्रम बनाएंगे। लिल बिट अजवाइन, लिल बिट रेड चिलीज, टच ऑफ सॉल्ट और हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप कोरिएंडर, थोड़ी सी हल्दी। Now it's time to use the Philips air fryer. Dry marinade में अच्छे से लपेट के और air fryer में डाल देते हैं। And no Amritsari fish is complete without mustard oil. जो अजवाइन हमने इसमें डाली है उसको perfectly balance करता है mustard oil. It lends that sharpness that you need with fish. Now let's cook it for 7 minutes. तो जब तक हमारी सिंगाड़ा एकदम करारी हो रही है air fryer से, उसके साथ में एक चटनी बनाते हैं, अंगूर की चटनी। तो इस अंगूर की चटनी के लिए हमने ऑब्वियसली अंगूर लिए हैं। उसके अंदर थोड़ा सा सिरका, थोड़ी चीनी, थोड़ा जिंजर और हल्का सा पानी डाला हुआ है, हल्की सी देगी मिर्च डाली है करारेपन के लिए। इफ यू वांट यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली टू इट एंड यू आर ऑल सेट। हमारी चटनी भी बन गई है और हमारी फिश भी एयर फ्राई हो गई है, पाइनएप्पल भी। इस पर डालते हैं थोड़ा सा चटक चाट मसाला और मच्छी पे डालते हैं थोड़ा नींबू। चलिए अब एक सिंपल सी प्लेटिंग कर लेते हैं। I think it's time to call Palji and have him taste our air fried fish. Actually, lajawab. Yeah? Lajawab. Sir, ek tandoori jo hai thoda angrezi hai na, lajawab. Lajawab fish. Yeah? Aur sir, tu itni tareef kar rahe ho. So, main bhi taste kar raha hu. Sir, bahut lajawab hai. A1. A1, excellent. Not bad, huh? Not bad. So, I think it's definitely not bad.